पूर्व भारतीय कप्तान शांता रंगोस्वामी के बाद 1983 में टीम इंडिया को पहली बार विश्व विजेता बनाने वाले कपिल देव ने भी बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति यानी सीएसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक कपिल देव ने सीओए चीफ विनोद राय, बीसीसीआई सीईओ राहुल जौहरी को ईमेल कर अपना इस्तीफा सौंपा। बताया जा रहा है कि आचरण अधिकारी डीके जैन की तरफ से हितों के टकराव का नोटिस भेजे जाने के बाद कपिल देव ने यह कदम उठाया। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य संजीव गुप्ता ने कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगोस्वामी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि कपिल देव एक फ्लड लाइट कंपनी के मालिक हैं, भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं और क्रिकेट सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। अंशुमन गायकवाड़ भी आईसीए के सदस्य होने के साथ साथ अपनी क्रिकेट अकादमी भी चलाते हैं। इसी तरह शांता रंगोस्वामी भी हितों के टकराव के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बीसीसीआई के आचरण अधिकारी डीके जैन ने 28 सितंबर को नोटिस भेजकर मौजूदा भारतीय कोच चुनने वाले पूर्व क्रिकेटरों से उनके खिलाफ लगे हितों के टकराव के आरोपों का जवाब 10 अक्टूबर तक देने के लिए कहा था। बता दें कि हाल ही में कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगोस्वामी की 3 सदस्यीय समिति ने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच का चयन किया था। इन तीनों की सहमति से ही दूसरी बार रवि शास्त्री को भारतीय टीम के कोच पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके पहले WV रमन को भी इन तीनों ने भारतीय महिला टीम का कोच नियुक्त किया था। याद दिला दें कि कपिल देव, शांता रंगोस्वामी और अंशुमन गायकवाड़ की नियुक्ति सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण की जगह की गई थी। भारतीय क्रिकेट की इस त्रिमूर्ति ने भी दोहरे लाभ के पद पर रहने के कारण इस्तीफा दिया था। तीनों खिलाड़ी IPL में अलग अलग फ्रेंचाइजियों के साथ जुड़े हुए थे। VideoDesk AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।